भैया आप सभी को राम राम मेरा। और आज फिर एक टैपिड को लेके मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया था मेरे पास कि उस्ताद जी आप टैपिड के बारे में वीडियो बनाइए, टैपिड आप कैसे मिलाते हैं। तो इसलिए मैं टैपिड के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और टैपिड से रिलेटेड पूरी चीज़ बात करेंगे कि टैपिड आखिर ये टैपिड टाइट हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, टैपिड में गैप कितने होने चाहिए, और एक दूसरे के अपोजिट वाले जो है एग्जॉस्ट वाल और इनटेक वाल में भी डिफरेंट गैप होता है तो वो क्यों है डिफरेंट गैप, और एक गैप एक कर दें तो उससे क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है गाड़ी में, तीन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। और ये मेरा वैगनार का हेड है और ये दूसरा हेड है मेरे पास अभी खुला है, एक हेड वो ले लिया मैंने और एक इंजन अभी खुला हुआ है, मैं आपको दिखाई देता हूँ ये, चूँकि मैं इस पे ही बनाने वाला था वीडियो, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, पूरा इंजन खुला हुआ है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूँ, इसके सारे टूल मैं ले लेता हूँ और यहाँ मैं इस पे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो टैपिड का सही सिचुएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे टैपिड मिला है उसका सही सिचुएशन आज हम बताएंगे इसमें वीडियो में। सबसे पहले जो है ना, इसके जो एग्जॉस्ट के वाल हैं ये जोन सा वाल दबेगा, इसका टैपिड पहले मैं ये लिख देता हूँ कहीं आपको, ये मोटर है इस पर लिखता हूँ मैं, सबसे पहले इसका फायरिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, फायरिंग ऑर्डर कहाँ है यहाँ लिख देता हूँ, 1 3 4 2, 1 3 4 2 ये फायरिंग ऑर्डर है, ठीक है, मैंने पेन से लिख दिया, अब यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको देखने में भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। टैपिड जब भी मिला है कम से कम उस टाइम में गाड़ी पूरी ठंडी होनी चाहिए, जब टैपिड सही मिलता है तब। इसमें हमें टैपिड का सही पोजीशन मिलाने के लिए सबसे पहले कहाँ देखना होगा, ध्यान देना होगा हमें, मैं बता रहा हूँ, इसके एग्जॉस्ट के जो वाल दबेंगे उससे आगे के तरफ का टैपिड मिलाना है। अब मान लो सपोज करो ये अभी इसको देखना, ये दबेगा दो नंबर का, ये दब गया ना थोड़ा, तो दो नंबर का दबा इसका मतलब फिर एक तीन चार दो का दबागा तो एक नंबर का टैपिड आ गया। ओके, ये देखो ये सही पोजीशन है टैपिड मिलाने का, ये एक नंबर का आ गया। वैसे अब एक नंबर का अब दबेगा, अब इसको छोड़ दो, अब दो नंबर का वसीम, एक नंबर का दबेगा एग्जॉस्ट का वाल वसीम, ये एक नंबर का दब गया तो अब तीन नंबर का आ गया होगा हमारा, ये सिचुएशन में भी बता रहा हूँ मैं, इसको मिलाने का भी बता रहा हूँ, गेज भी बता रहा हूँ। अब तीन नंबर का देखना होगा कि तीन नंबर का ये एग्जॉस्ट का वाल दबे, ये तीन नंबर का दब गया, अब ये चार नंबर का आ गया, तीन नंबर का दबा तो ये चार नंबर का ये आ गया, ये देखो यहाँ पे आप मिला सकते हो, ठीक है। और चार नंबर का जैसे ही एग्जॉस्ट का वाल दबेगा, ये दब गया, उसके बाद चार के बाद से 1 3 4 के बाद से दो नंबर, अब ये दो नंबर का आ गया ओरिजिनल मिलाने का, जहाँ पे मिलाया जाता है कंपनी मिलाती है। अब जैसे अब मैं मान लो दो नंबर का वाल दबा देता हूँ, अब दो नंबर का मिला के वाल दब गया दो नंबर का, तब कहाँ आना चाहिए दो नंबर के बाद फिर एक नंबर, तो एक नंबर का ये रहा। अब एक नंबर का मिलाने के लिए गेज हम लेते हैं, तो गेज में क्या देखना होगा, गेज में इस पे तो खैर मीट रहा है कि गेज में बता दूं आपको, 15 और 20 पे मिलाया जाता है इसका, 15 mm और 20 mm, तो 15 mm किसका रखा जाता है, 15 mm ठंडे वाल को रखा जाता है, और जो गर्म वाल है एग्जॉस्ट के वाल है वो 20 पे मिलाया जाता है। ये तो है कंपनी का मेथड, ये 20 नंबर इसको एग्जॉस्ट वाल मिलाया जाएगा और इनटेक का 15 नंबर का, लेकिन हम क्या करते हैं इससे क्या होता है इंजन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया गुड आता है। तो सबसे पहले हमें एक नंबर से मिलाना होगा, एक नंबर से या किसी को भी मिला लो कम्प्लीटली, तो पहले हमें ये कोई भी एक एग्जॉस्ट वाल को देख के उसके आगे के प्रॉपर पता पड़ जाएगी, ये है अपना लोकेशन। इसको जो है ना कंपनी रिकमेंडेड करती है 0.10 से लेके 0.20 तक mm तक, या 0.2023 तक मिला सकते हैं आप बीच में 10 mm से लेके 0.23 mm तक कहीं भी मिला सकते हैं।
चूँकि ये पुराना इंजन है और पेट्रोल पे चल रहा है, इसलिए मैं इसको 0.10 और 0.12 mm से मैं इसको मिलाऊंगा। तो ये है अपना मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये देखो दो नंबर का वाल जो है ना ये बंद होंगे, इसका मतलब हमारा एक पे आएगा, दो नंबर के वाल खुलेंगे, ये वाल दबा हमारा दो नंबर का वाल दबा, ये दो नंबर ही रहा, तो दो नंबर का मतलब अब वाल दबा है तो ये राउंडिंग होता रहेगा, दो नंबर के बजाय एक नंबर पे हमारा टैपिड आ गया एक नंबर, तो इसकी टैपिड अब मिला लेंगे। और भाई मैं तो इस पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है सही से कितना नंबर है, पर मुझे आइडिया है ये 10 नंबर का है। तो अब क्या करते हैं, ऐसा है कि 10-10 नंबर से भी मिला सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा रखना पड़ता है, छोटे वाल को जो हीट वाले वाल हैं वो ज़्यादा रखना पड़ता है, और जो ठंडे वाल हैं यानी इनटेक के वो कम रखना पड़ता है 2 mm का। तो अभी मैं 10 mm पे मिला रहा हूँ, और कंपनी कहती है कि 15 mm पे तो ठंडे वाल जो है इनटेक का है वाल 15 mm पे, और जो छोटे वाल है एग्जॉस्ट के वो 20 mm पे मिलाना चाहिए। तो थोड़ा इंजन पुराना है चूँकि, इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ इसको, और CNG पे चलेगी तो थोड़ा वही 15 और 20 का रखेंगे, लेकिन पेट्रोल पे चल रही है इसलिए हम इसे 10 पे और 12 पे मिला देंगे, 12 पे छोटे वाला और 10 पे ये बड़े वाला वाल इनटेक का, ये 10 है, 10 एरा ये 12, ये दोनों टाइट है। तो इसके लिए सबसे पहले 10, ये फ्री होना चाहिए बिल्कुल ही, अब उसी पे हम इसे कर देंगे टाइट। नहीं करेगा ना, बदलना पड़ेगा उसे, बदलना पड़ेगा फिर, बदल दो, थ्रोटल बॉडी की तो जानी यही है, जब ही कंट्रोल नहीं हो रहा रेस, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, पता नहीं वहाँ से दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये फ्री हो गए। अब ये बिल्कुल फ्री, अब इसको देख लेना कोई प्ले तो नहीं है इसमें, कोई प्ले नहीं है, ये बिल्कुल ओके है, अब इसको हम ओके कर देंगे। ये भी टाइट है, थोड़ा सा और लूज करना पड़ेगा इसे, चलो लगा देखो इतने पे तो थोड़ा बहुत काम कर जाएगा, अब तो काम करेगा, बिल्कुल जाम था, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं करेगा, पता है घूम ही नहीं रहा था, हाथ से भी नहीं घूम रहा था, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे प्ले चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल ओके, एक नंबर हो गया, ये भी टाइट है पूरा, तो इसके लिए भी बिल्कुल ओके है, अब प्ले चेक कर लेंगे, बिल्कुल प्ले नहीं है, ये ओके है। अब नीचे वाले छोटे वाल, छोटे वाल में सही है बिल्कुल, ये 10 है, 12 पे हमें मिलाना है चूँकि छोटे वाल को, बिल्कुल ओके है, एक नंबर की टैपिड बिल्कुल ओके हो गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टैपिड करना है, तो एक के बाद से कौन सा आएगा, 3 आएगा, तो एक का जब दबेगा एग्जॉस्ट वाला वाल तब 3 नंबर आएगा। तो सबसे पहले इसको घुमाते हैं, एक नंबर हो गया, 2-3-4 आगे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो ये अपना टैपिट का मेथड था भाई। और ये तो पेट्रोल पे ओरिजिनल चलाने के लिए इतना गैप रखते हैं हम 10 और 12 का। यदि सीएनजी पे चलाना हो गाड़ी को तो थोड़ा सा इसका टैपिट का गैप बढ़ा देंगे। अब चूंकि टैपिट का गैप देता क्यों है कंपनी, क्योंकि हमारे ये जो वाल लगे हुए हैं ना, इन्हें प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए, और प्रॉपर तरीके से जो है ना बंद होने के साथ साथ एयर कटिंग का जो प्ले होना चाहिए, एयर कटिंग का, वो सही स्मूथली हो सके और इंजन का परफॉर्मेंस बेटर हो सके। और रही बात इधर 10 और इधर 12 क्यों देते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि ये जो मेटल है, लोहे का मेटल है, लोहा कभी भी जब हीट होता है ना तो उसके साइज़ में वो आता है, बदलाव आते हैं। तो थोड़ा सा कंपनी भी कहती है कि यदि गर्म होने के बाद थोड़ा सा बढ़ेगा भी तो उतना गैप मेंटेन करेगा, इतना गैप नहीं, 2 से 3 mm का गैप मेंटेन करता है बस, बाकी तो इसको रखना पड़ता है फ्री होने के लिए कि वाल प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए। और ये है, यदि इसके टाइट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में, यदि टाइट हो जाए तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में जो स्टार्ट करते हैं ना गाड़ी, वो स्टार्टिंग में बहुत ट्रबल होगा, बहुत काफ़ी लंबा सेल्फ लेके गाड़ी स्टार्ट होगी, हो सके तो 3-4 सेल्फ में हो जाएगी, 1-2 सेल्फ में तो मुश्किल ही हो पावे। तो टैपिट टाइट होने के ये निशानी है। और टैपिट टाइट हो तो जैसे गाड़ी स्टार्ट कर दी हमने तो थोड़ा सा वाइब्रेट जो होता है ना, वाइब्रेट होता है गाड़ी, थोड़ा एवरेज मान लो, एवरेज में भी कमी आएगी इसके। और इसके जो पिकअप है, कई बार पिकअप कम हो जाता है, तो एक बार टैपिट सेट बढ़िया कर दिए तो पिकअप बिल्कुल मस्त हो जाएगा, बेहतरीन पिकअप। स्टार्टिंग छूते ही गाड़ी स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आप लोगों ने देख ही लिया मेथड, ये मेथड वो है जैसे कि आप ये लव देख के भी मिला सकते हैं, बाकी मैंने ये मेथड ओरिजिनल मेथड ऐसे बताया कि किसी में केम नीचे दे रखा है, केम दिखता नहीं है, तो उसमें कैसे पता करेंगे कि हमारी टाइमिंग का लोकेशन सही कहाँ आया, ये टैपेट का 1 नंबर 2 नंबर दो भी जो भी है। तो इसके लिए पुश रोड होता है, तो ये एग्जॉस्ट का वाल का सिचुएशन जान के ही हम उसके टैपिट को मिला सकते हैं बारी बारी से। और फायरिंग ऑर्डर आपको मैंने बता ही दिया था, फायरिंग ऑर्डर 1-3-4-2 करके फायरिंग ऑर्डर है, ये 1-3-4-2। अब जिसका भी एग्जॉस्ट दबेगा, मान लो सपोज करो 2 नंबर का एग्जॉस्ट दबा, तो हमारा टैपिट मिलाने का 1 नंबर का है, यदि 1 नंबर दबा तो फिर 3 नंबर टैपिट मिलाया जाएगा, 3 नंबर का एग्जॉस्ट का वाल दबा तो 4 नंबर मिलाया जाएगा, 4 नंबर का दबेगा तो फिर 2 नंबर का, ऐसे आपको एक सर्कुलेट बनाना होगा गोल घेरे की तरह जैसे इसमें बना हुआ है, तो इस तरीके से आप टैपिट मिला सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ ए वाल दब गया 1 नंबर का, अब आ गया हमारा 3 नंबर का, ये 3 नंबर की सही पोजीशन पे आ गई। अब 3 नंबर के लिए बिल्कुल ओके है, ये भी ये टाइट है, ये टाइट है, तो पेच कर देना जरा वसीम भाई, चलो तुम कस लो हाथ से फुल रहे। बिल्कुल सही है, कोई प्ले नहीं है, ये भी बिल्कुल ओके है, इस इसमें थोड़ा सा है डाउट, ठीक है ले जाओ 10 किटी, अच्छा कसने के लिए, ठीक है ले जाओ।
ये हो गया बिल्कुल, बस प्ले नहीं रहना चाहिए, जैसे इसमें प्ले आ रहा है ये प्ले नहीं रहना चाहिए इसमें भी प्ले, लेकिन अब इसको लगा देने के बाद प्ले नहीं आना चाहिए, तब हमारा प्रॉपर टाइम टैपिड ओके होगा। ये बिल्कुल ओके है, ऐसे में बिल्कुल ये वाला ये थोड़ा सा टाइट है, ये तो वैसे भी नहीं। हाँ इसके लिए गोटी मैं निकालूँ अभी, सजने के इसको बंद कर देते हैं, जब इसका काम नहीं है तो इसे बंद कर देते हैं। 12 mm के इससे, बिल्कुल ओके, ये बिल्कुल फ्री है और ये बिल्कुल फ्री है। हाँ जी यही है, बताओ। चलो ठीक है, और थोड़ा हमारे आगे एक इनोवा बंद हो गया। अच्छा चलो अभी करवा देते हैं। ऐसा हुआ है ना भाव जी, बैटरी दूसरा लगा कर चालू की। अच्छा ठीक है ठीक है, तो गाड़ी कुछ दूर गया है और उसके बाद एक बाइक बंद। चलो अभी चेक करवा देता हूँ, दो मिनट का टाइम दो मुझे थोड़ा। ठीक है, अब ये 2 नंबर का एग्जॉस्ट वाल्व, अब ये 3 नंबर की टैपिट तो बिल्कुल ओके है। अब हम नेक्स्ट टैपिट मिलाएंगे तो सबसे पहले ये 3 नंबर का वाल्व दब गया है। 3 नंबर के बाद से कौन सा आ रहा है? 4 नंबर का, ये 4 नंबर की कंडीशन बिल्कुल ओके है, लेकिन ये टाइट है। छोटे वाल तो बिल्कुल सही है, बाकी ये बड़े वाल टाइट हैं दोनों। इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ रहा है लड़का भी कर रहा है काम, आ रहा है तो भेज रहा हूँ। ये बिल्कुल ओके, ये भी टाइट है पूरा। बिल्कुल ओके है ये, दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, ये भी बिल्कुल ओके। अब प्ले चेक करना हो, इसके प्ले चेक करने पर, जैसे ये प्ले है ना, ये प्ले चेक करना होगा, गेज लगाने के बाद प्ले नहीं आना चाहिए बिल्कुल ही। ये बिल्कुल ओके हो गया हमारा, 4 नंबर की हो गई ओके। अब 4 नंबर का एग्जॉस्ट दबाएंगे सबसे पहले, अभी आपको मैं और पास में कर देता हूँ ताकि आप सही से देख पाओ। 4 नंबर का वाल ये दब रहा, अंधेरा हो गया, शाम हो गई, पर ये दब गया। चार नंबर का एग्जॉस्ट का वाल दब गया, इसका मतलब अब कौन से आएगा? 2 नंबर का, ये 2 नंबर का आ गया हमारा टैपिड, तो 2 नंबर इधर कर लेते हैं। 2 नंबर का ये, ये टाइट है, इसको लूज करते हैं। ये क्या आ गया, चल रहा है ना? हाँ
कमाल। बिल्कुल ओके। ये बिल्कुल ओके, एक टाइट है ये वाला, तो इसको टाइट है तो इसको भी लूज कर देते हैं। वसीम भाई जरा इनोवा स्टार्ट करिए ना जरा, एक सेकंड एक सेकंड, क्यों बड़े पेचकस से काम नहीं हो रहा क्या? लो वो पेचकस लाइयो भाई, वो वहां से बड़ा पेचकस लिया। बहुत टाइम लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा ला, तो जमीर उस्ताद जी का पेमेंट आ गया। अच्छा चलो हो जाओ हो जाओ। अभी राजा भैया का भी आज नहीं, हाँ कल को देखो, कल को करवा देते हैं तो अच्छी बात है। ये हो गया दो नंबर का, ओके। कौन कौन दो नंबर हो गया, ओके। अब हमारा फिर एक बार अब दो नंबर का एग्जॉस्ट का वाल दबाते हैं। दो नंबर का एग्जॉस्ट का वाल दब गया, अब एक नंबर का बिल्कुल टाइमिंग ओके आ गई। ते है टैपिट का मेथड, ठीक है। और बस मैंने अपना मेथड बताया है, जो भी चीज मैं बताऊंगा ये अपना मेथड बता रहा हूँ कि हम कैसे इस काम को करते हैं, वो सारे मेथड है। तो इसलिए चलिए ठीक है, और वो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके थैंक यू, आप लोगों ने इतना सारा समय दिया मेरे को, तो ठीक है ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो गियर वेयर का वीडियो भी दूंगा मैं, दो तीन वीडियो अभी वैसे पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उसका भी मैं वीडियो दे दूंगा जल्दी से। और ये कंप्लीट मेरा मेथड था, ऐसे आप लोग टैपिट मिला सकते हैं। और रही बात, देखो वैगनार एल्टो सेंट्रो में तो ये मेथड चलेगा, वैगनार केसरी उसमें क्या है 30-32 अपना ये इंटेक वाला वाल 30-32 का, और 40-42 एग्जॉस्ट वाल को रखना पड़ता है, उसका मेथड अलग है। इसका सिर्फ ये छोटी गाड़ी का 1000 सीसी तक का के लिए था मेथड।